नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वैकेंसी लेकर आए हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है, ब्राउजर पर गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पर यहाँ पर सिंपली आपको सर्च कर देना है सरकारी रिजल्ट। यहाँ पर आप जैसे ही सरकारी रिजल्ट लिखकर टाइप करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी www.sarkaririzalt.com। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर रिजल्ट एडमिट का लेटेस्ट जॉब का कॉलम दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट नंबर पर ही बिहार सिविल कोर्ट वर्चुअल पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपली फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक किए देते हैं तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 20/9/2022 इसके फॉर्म डलना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर 20/10/2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई, मतलब कि टोटल एक महीना आपके पास है यहाँ पर आवेदन करने के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों बात की जाए फीस की, तो जनरल OBC EWS की 800 रुपये है, SC ST कैंडिडेट की यहाँ पर 400 रुपये फीस रहने वाली। यहाँ पर एग्जाम डेट यहाँ पर शेड्यूल बता रहा है यार, मतलब कि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ पर एग्जाम डेट क्या रहने वाली, लेकिन यहाँ पर जब भी एग्जाम डेट क्लियर हो जाती है तो यहीं पर दिए गई जगह पर आपको एग्जाम शो करवा दी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा से नीचे की तरफ और आते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट वगैरह भी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर वैकेंसी 7692 है, 7692 वैकेंसी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपकी 10th भी है ना, 10th पास हो आप, तब भी यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर आप बैचलर डिग्री लिए बैठे हो या फिर स्टेनो वगैरह, तो भी यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी। यहाँ पर देखिए क्लर्क, स्टेनोग्राफर और यहाँ पर प्यून जैसी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि आपके लिए बहुत ही काम आ सकती है, मतलब कि सभी वर्गों के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर बात करते हैं क्लर्क की। सबसे पहले तो क्लर्क में यहाँ पर 3325 रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी। स्टेनोग्राफर में 1562 है, उसमें भी बैचलर डिग्री और साथ में स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कोर्ट रीडर की वैकेंसी जिसमें 1132 यहाँ पर वैकेंसी दी गई, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद प्यून की भी वैकेंसी जिसमें आपको 1673 वैकेंसी देखने को मिलती है और यहाँ पर मात्र आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, किसी भी तरह की टाइपिंग नहीं, किसी भी तरह का कोई डिप्लोमा नहीं, सिर्फ 10th पास, यहाँ पर कोई भी परसेंटेज नहीं। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको जरूरी लिंकें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन के सामने यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन दिया गया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्ट जिस वेबसाइट से फॉर्म डाल रहे हो उस वेबसाइट पर जंप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्म डाल रहे हैं, यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे और लॉगिन करने के बाद फॉर्म कम्प्लीटली फ्लिप कर दोगे। इसके बाद देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन भी दिया गया है, क्लर्क के लिए अलग नोटिफिकेशन है, स्टेनोग्राफर के लिए अलग नोटिफिकेशन है और कोर्ट रीडर के लिए यहाँ पर अलग और प्यून के लिए अलग नोटिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाता है। जल्दी यहाँ पर सिलेबस की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पर ज्वाइंट टेलीग्राम की लिंक भी है और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर दी गई जानकारी आप सभी को समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।